नमस्कार, मैं हूं सोनिका और तत्काल न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। 1925 में स्थापना हुई थी आरएसएस की। उसी दिन से देश में धर्म और जात में बंटवारा शुरू हो गया। मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का माहौल बनना शुरू हुआ था। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा देना शुरू किया गया था। लेकिन जैसे ही उसके एक नेता ने 30 जनवरी 1938 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी, उसके बाद लोगों ने उन्हें सिरे से नकार के फेंक दिया। सालों तक वो ऐसे ही पड़े रहे, लेकिन जेपी आंदोलन के दौरान उनको जिंदा किया गया, अपने वंश में उनको जगह दी। और उसके बाद दो सीटों वाले यह लोग 1989 में जब बीवी सिंह की सरकार बनी तो उसके पास 83 लोकसभा सीटें थी। महज 12 साल बाद इन्होंने यह कारनामा करके दिखाया। जब जब ये सत्ता में आ जाते हैं तब तब इनकी नफरतें बढ़ने लगती है। 1977 जब लाल कृष्ण आडवाणी को सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया, उसी वक्त से पत्रकार रजत शर्मा, जो आज सबसे बड़ा काम दे रहे हैं, अपनी दलाली पत्रकारी चाटुकारी कर रहे हैं, इसके लिए नफरत का माहौल बना रहे हैं। लेकिन ये कितनी भी नफरतें फैला दे, प्यार की तस्वीरें सामने आ ही जाती है। मंदिर मस्जिद के नाम पे या फिर गाय के नाम पे, और आजकल लव जात के मामले पर नया हंगामा शुरू किया है। बेंगलुरु के बाहरी इलाके से एक तस्वीर सामने आ रही है। यहाँ एक हनुमान जी का छोटा मंदिर था, लेकिन श्रद्धालुओं की उम्र पड़ी रहती थी। और वही बाजू में 3 एकड़ जमीन मुसलमान बिजनेसमैन की थी। मुस्लिम बिजनेसमैन ने देखा कि हनुमान मंदिर में हमेशा भीड़ लगी रहती है और श्रद्धालुओं को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मंदिर ट्रस्ट के पास उतना पैसा नहीं था कि वो जमीन खरीद सके, उसके लिए अपना दिल बड़ा किया और करोड़ों की जमीन दान दे दी। ये वही कर्नाटक है जहाँ रात दिन नफरत फैलाई जाती है, जहाँ एक कर्नाटक सरकार का मंत्री बड़े बेशर्मी से कहता है कि हम सबको टिकट देंगे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, लेकिन एक मुसलमान को टिकट नहीं देंगे। ये उनके मुंह पर करारा तमाचा है, लेकिन उनको शर्म नहीं आएगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर नफरत नहीं फैलाएंगे तो धंधा नहीं चल पाएगा। बालगेलापुर का यह हनुमान मंदिर है। मंदिर वालों को एक होर्डिंग लगाया और मुस्लिम बिजनेसमैन का आभार जताया है, जिसने अपनी करोड़ों की जमीन हनुमान मंदिर के लिए दान में दे दी। इनका नाम एमजी बाशा बताया जा रहा है। इनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। 3 एकड़ में से 1600 स्क्वायर फीट जमीन इन्होंने मंदिर के लिए दान दे दी। क्या बस यदुरप्पा या उनके बेशरम मंत्री को जो यह करा रहा था कि एक मुसलमान को कभी टिकट नहीं देंगे, यह तस्वीर दिखाई देंगी। यह जब CAA का आंदोलन हो रहा था तब बैंगलोर की पुलिस ने इसी पत्रकार की मुसलमानों पर गोलियां चलाई थी। मुसलमान सड़कों पर उतरे तो जानते हैं क्या किया गया, उठा उठा कर जेल में डाल दिया गया था। उनकी संपत्ति को सीज किया गया। लेकिन इस दौरान यह तस्वीर आए तो दिखाई देता है कि भारत ये यहाँ नफरत चला नहीं पाती। जो राजा इस धरती पर पैदा हुए, जो एक चक्रवर्ती राजा कहलाए, सम्राट अशोक, जिसने बौद्ध धर्म की स्थापना की, उसके दौर में भी बौद्ध धर्म भी इस धरती पर पूरी तरह नहीं फैला पाया। आज भी अल्पसंख्यक है जो मुस्लिम कहते हैं, जो उन्होंने 800 साल शासन किया मुसलमान बना लिया। जो क्रिश्चियन 400 साल इस देश में रहे, क्या क्रिश्चियन बना पाए इस धरती पे? नफरत नहीं चल सकती। यह अलग अलग बात है कि आज सत्ता में बड़े लोग नफरत को ही फैलाना चाहते हैं, लेकिन उनके मुंह पर एक करारा तमाचा है।